डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, किसी दल या उसके प्रत्याशी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों, धार्मिक और भाषाई समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाए, घृणा और तनाव पैदा करे। राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों। वोट के लिए जाति या संप्रदाय के आधार पर अपील ना करें। सारे राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, उनकी पुरानी छवि और काम तक ही सीमित होनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के ऐसे किसी पहलू की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलापों से हो। दलों या कार्यकर्ताओं की ऐसी कोई आलोचना भी नहीं की जानी चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हो। वोट हासिल करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावना नहीं देनी चाहिए। धार्मिक स्थानों, मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों या पूजा के अन्य स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दलों और उनके प्रत्याशियों को ऐसी सभी कार्यों से बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध की श्रेणी में आते हैं। मसलन वोटरों को रिश्वत देना, उन्हें डराना, धमकाना व पोलिंग स्टेशन तक ले जाना, पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर उनसे वोट देने का अनुरोध करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को समाप्त होने वाली 48 घंटे की समयावधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना, राजनीतिक दल और प्रत्याशियों को ध्वजंड बनाने, झंडा टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने के लिए किसी व्यक्ति की जमीन, भवन, अहाते, दीवार आदि का इस्तेमाल उसकी अनुमति के बिना नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक दल व उनके प्रत्याशी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक विरोधी दलों की सभाओं, जुलूसों में बाधाएं न डालें। किसी दल को अपना जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिए जहां दूसरे दल की सभाएं हो रही हो। एक दल द्वारा लगाए गए पोस्टर को दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाना चाहिए। राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी लोगों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन या धरना न आयोजित करें। दल या उनके प्रत्याशियों को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूर्व सूचना देनी चाहिए ताकि वह यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम कर सके। दल या अभ्यर्थी को ऐसे स्थान पर सभा नहीं आयोजित करनी चाहिए जहां कोई निर्बंधात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो। यदि ऐसे निर्बंधात्मक आदेश से कोई छूट चाहिए तो इसके लिए समय से आवेदन कर छूट हासिल करनी चाहिए। किसी प्रस्तावित सभा स्थल में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुमति लेनी हो तो दल या प्रत्याशी को संबंधित प्राधिकारी के पास काफ़ी पहले से आवेदन कर ऐसी मंजूरी हासिल करनी चाहिए। सभा के आयोजकों को सभा में बाधा डालने या अव्यवस्था फैलाने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता करनी चाहिए। उन्हें
खुद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जुलूस का आयोजन करने वाले दल या प्रत्याशी को पहले ही यह तय कर लेना चाहिए कि जुलूस किस समय, किस मार्ग व स्थान से होकर गुजरेगा और कब समाप्त होगा। आयोजक कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस को अग्रिम सूचना दें ताकि आवश्यक इंतजाम हो सकें। आयोजकों को पता कर लेना चाहिए कि जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरना है वहां पर धारा 144 वगैरह तो नहीं लगी है। ऐसे इलाकों के लिए जब तक सक्षम प्राधिकारी से अनुमति न मिले जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। जुलूस इस तरह निकले जिससे कि सामान्य यातायात में बाधा न पड़े। यदि एक ही रास्ते पर दो या दो से अधिक दल एक ही समय पर जुलूस निकालना चाहते हैं तो उन्हें आपस में समन्वय स्थापित कर ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे टकराव न हो और यातायात भी बाधित न हो। स्थानीय पुलिस उनकी सहायता करेगी। किसी भी राजनीतिक दल को अन्य राजनीतिक दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने और उन्हें जलाने का समर्थन नहीं करना चाहिए। जुलूस सड़क के दाईं ओर से निकाला जाए। जुलूस में ऐसी चीज़ों का प्रयोग न करें जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके। पाई पैराचेंज यह और भी अधिक आसानी से हो सकते हैं यदि सभी अभिभावक और राष्ट्रीय स्तर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने बच्चों व विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों के बारे में बताएं। ईमानदारी वह शब्द है जिससे हम सभी बहुत अधिक परिचित हैं, हालांकि इसका अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। ईमानदारी को परखने का कोई भी निश्चित तरीका नहीं है, हालांकि इसे बड़े स्तर पर महसूस किया जा सकता है। ईमानदारी वह गुण है जो लोगों के मन की अच्छाई को दर्शाती है। यह जीवन में स्थायित्व और बहुत सी खुशियां लाती है क्योंकि यह समाज में लोगों का आसानी से विश्वास जीत लेती है। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी का अर्थ सभी के लिए सभी पहलुओं पर ईमानदार होना है। यह किसी को मजबूर किए बिना किसी भी परिस्थिति में सार्वभौमिक अच्छाई पर विचार करके कुछ अच्छा करने का कार्य है। ईमानदारी वह रास्ता है जिसके अंतर्गत हम दूसरों के लिए स्वार्थ रहित तरीके में कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग ईमानदार होने का केवल दिखावा करते हैं और यह मासूम लोगों को धोखा देने का गलत तरीका है। ईमानदारी वास्तव में ऐसा गुण है जो एक व्यक्ति के अच्छे गुणों को दर्शाता है। जीवन में ईमानदारी की भूमिका ईमानदार पूरे जीवन भर बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसे खुली आंखों से आसानी से बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पाई पैराचेंज समाज के लोगों द्वारा ईमानदार कहा जाना उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा परिपूरक है। यह उस व्यक्ति के द्वारा जीवन में कमाई हुई वास्तविक संपत्ति है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। आजकल समाज में ईमानदारी की कमी लोगों के बीच अंतर का सबसे बड़ा कारण है। यह अभिभावकों, बच्चों और विद्यार्थियों, शिक्षकों के बीच उचित पारस्परिक संपर्क के अभाव के कारण है। ईमानदारी कोई वस्तु नहीं है जिसे
खरीदा या बेचा जा सके। इसे धीरे धीरे बच्चों में एक अच्छी आदत के रूप में विकसित करने के लिए स्कूल और घर सबसे अच्छे स्थान है। स्टॉप।